हे गाइस, वेलकम बैक एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है, हम लोग पूरे दिन में क्या करने वाले हैं आप लोग से शेयर करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा लेट उठे थे, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं और अभी पैन गर्म हो रहा है। इससे पहले पैन जले, निमिषा गुस्सा है, जरा ही ले जाता हूँ फोन। अभी क्या बना रहे हो? हम तो दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारा सूजी तैयार हूँ मैं। हाँ, हमारा बन रहा है सूजी का उपमा, हाँ, चाय और पैनकेक्स। पैनकेक्स मैं अपने लिए बना रहा हूँ। हमारे घर पे महाराजा रहते हैं ना, इसलिए हम पकवान बनते हैं मॉर्निंग में। और आप क्या बना रहे हो? तो ये भी पकवान ही है भाई, सूजी। सूजी आपको क्या लगता है कि हर इंसान खाता है? नहीं खाता। उपमा वगैरह तो नहीं खाता? सूजी इज वेरी एक्सेसिबल। और तो पैनकेक भी एक्सेसिबल है। देख रहा है इसका पैनकेक का भूत स्पेन से नहीं उतरा। पैनकेक बन रहा है मस्त एकदम। क्या क्या डालता हूँ अपने पैनकेक में? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। पैनकेक में बताएगा नहीं भाई। ओह नो। दूध, अंडा। हंस रहा है। एक अंडा, दूध थोड़ा सा, इसको बस इतना कि गाढ़ा हो जाए, ज्यादा लिक्विड होता है तो फिर अच्छे से बनता नहीं। और प्रोटीन पाउडर, ओट्स को एकदम पाउडर बना के। ओके, इससे पहले मेरे अनियन सड़े, चिली डालते हैं। इसमें भी चिली डालते हो? हाँ। हो गया रेडी पैनकेक, चाय भी रेडी। आराम से डालना, गिराना मत। हमने हाँ। ऐसा बोला है, वो गिर रही है और आप आपकी गलती है। अरे नहीं गिरेगी, डालो। हाँ ये बात है ना। मेरे पैनकेक्स एकदम मस्त रेडी। ज्यादा वाली ले ले। अबे चाय मांगा था, पानी नहीं मांगा था बे। ये वाली लूंगा। ये उपमा भी सही लग रहा है। Thanks, it's good. अब मेरा मन कर रहा है ये खाने का। तो मुझे पता था आप खाओगे वैसे भी है। आज हम थोड़ा लेट हो गए ब्रेकफास्ट करने में, और मैं जब पैनकेक बना रहा था तो मेरा एक पैनकेक जल गया था। मुझे लगा कि और फिर तब हमारी किचन में भूचाल आग लग गई थी, दुख की गुस्से की। फिर हमने बड़ा बुरा लगा, फिर हमने वीडियो बनाना बंद कर दी क्योंकि इसको अपना फोन तोड़वाना है। फिर सही हो गया, अभी इनफ तीन पैनकेक बन गए हैं, इसमें हो जाएगा मेरा। खाओ, स्टार्ट करो। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके हो गए रेडी, जा रहे हैं बाहर कुछ शॉपिंग करने के लिए। आज धूप बहुत ज्यादा तेज है, 29-30 डिग्रीज है शायद आज, है ना? हो गए रेडी, आप चलें? मैं रेडी हूँ। रेडी हो? चलो। अरे धूप चली गई, नीचे आते धूप चली गई। आ गई आ गई आ गई भाई, आज बहुत सही धूप है। धूप धूप धूप। तो क्या करने जा रहे हो फिर आप आज शॉपिंग? मैं कुछ नहीं करने जा रही, मैं बताती हूँ। अगले हफ्ते हम ऐसी कहीं घूमने जा रहे हैं। इस बंदे के कपड़े खत्म हो गए। खत्म खत्म खत्म, बाय बाय, खत्म, फिनिश, टाटा, गुड बाय। हम लोगों के पास कपड़े थोड़े से कम है, कपड़े तो है बट लेकिन हमारा मन कर रहा है शॉपिंग करने का, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक एक अच्छी पीछे पीछे दिन क्या करती रहती है। हम लोग नेक्स्ट वीक एक ट्रिप पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत फेमस जगह। और सारा यही बता दे, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। अभी हम लोग हमारे घर के पास में एक शॉपिंग स्ट्रीट है, वहाँ पे जा रहे हैं, एक एक्चुअली मॉल है जा रहे हैं। और हमने सोचा है कि आज ऐसे घूमने चलते हैं बाहर। और हम लोग एक चीज ये करते हैं कि हम विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं, लोग अगर स्पेसिफिक कुछ खरीदने जाएंगे हमें ये चाहिए वो तो कभी नहीं मिलेगा। हम दोनों लड़ाई पक्की करके आते हैं और वो मिलता भी नहीं है। अगर मैं प्लान करूंगी मुझे बैग लेना है तो मैं सिर्फ टी शर्ट लेके आऊंगी, पर लेकिन ऐसे में अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है जब आप प्लान करके नहीं जाते हो शॉपिंग। काफी लोग रिलेट कर सकते हैं इससे। जल्दी चलो, बस आ गई। अरे यार देखो, भाग के ले जाएगा बस। हम लोग पहुंच गए ट्रेन में और निमिषा घर पे बात कर रही है। अब तो डाल दी। अरे घर पे बात करने के चक्कर में हमने फिर से एक स्टॉप छोड़ दिया। और ध्रुव बोल रहा है यहाँ से पैदल चलो, हमको सिखा रहा है। अच्छा चला, उधर चलते हैं। मॉल नहीं है यार? ये मॉल है बट जा तो वैसे सकते हैं, यहाँ से भी यहीं से चल के देखते हैं आज। ठीक है, यहीं चलते हैं। चलो पहुँच गए आज, बहुत हवा चल रही है। ये है हमारा मॉल और ये हमारी मॉडल। चलना है ना, आगे से जाना है, यहीं से चल के देखते।
क्या होता है जब हम इससे पहले वाले स्टेशन पे उतरते हैं ना, पूरा उतरो, लंबा चलो, पूरा मॉल के कोने में जाओ। अब हम एक स्टॉप आगे ही उतरे हैं गलती से। ये मॉल इतना बड़ा है कि यहाँ तक एक्सटेंडेड है। हाँ, तो एनीवे एक ही बात है, अगर हम उतर भी गए तो आगे। हाँ जी, स्टोर में घुसते ही कैमरा फोन सब भूल गया बंदा। क्या बहुत देर से शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल जाए, मिल ही नहीं रहा। दो तीन चीजें मिली हैं बस, ये दो तीन चीजें इनकी। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना है। एक आधा टी शर्ट सी लगेगी। नया नया बूट चढ़ा है कि उसको शर्ट्स पहननी है। वैसे नया नया नहीं, पहले पहनता था बट फिर मैंने पीछे बंद कर दिया। बट फिर मुझे लगा पहनना चाहिए दोबारा, अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है भाई। यहाँ पे ज़ारा, H&M जितने भी ज्यादा स्टोर्स होते हैं सब मतलब इतने बड़े होते हैं यूरोप में, दो तीन फ्लोर के, ढाई फ्लोर लड़कियों का होता है। एक फ्लोर भी नहीं, एक फ्लोर में भी आधा मेंस होगा और आधा लड़कियां होंगी या फिर किड्स डाल देंगे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। वैसे जो भी लड़की अगर यूरोप घूमने आ रही है तो उसको अपनी शॉपिंग यहीं से करनी चाहिए। हाँ भाई, यहीं से करो, वहाँ से तो करने का फायदा नहीं है। अपनी बारी आ गई। अरे भाई, चश्मा गिर गया। हो गई आज। हाँ यार, रिग्रेट हो रहा है इंस्टेंट। चुप चुप हो जा सातवीं फेल। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना 8-9 बजे बंद हो जाता है सब। अभी आए, एक स्टोर घूमे और सब बंद। तो हम लोग पहुंच गए एक दूसरी शॉपिंग स्ट्रीट, निकल के आ गए हम लोग जहाँ पे हम पहले थे। ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे सारा आगे तक शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ पे ज़ारा, H&M और बहुत कॉमन स्टोर्स हैं। जैसे 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है तो यहीं पे ही जो स्टोर है 9 बजे तक खुलते हैं। और यूजुअली सैटरडे को बहुत भीड़ होती है क्योंकि सिर्फ सैटरडे है, छुट्टी होती है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि संडे को सब कुछ सुनसान होता है। ग्रोसरी स्टोर, शॉपिंग स्टोर, एवरीथिंग इज शट। वीकडेज पे तो लोग काम पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो इतना होता नहीं है। पहुंच गए H&M, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं कुछ मिल जाए तो। आज कोई भी नहीं है अंदर। क्यों, छुट्टी मना रहे हो? हाँ, फ्राइडे को लोग यूजुअली शॉपिंग करने नहीं आते ना। नहीं, सुंदर है। आ गए हम लोग H&M में। आगे देखो, अभी हम लोग ऊपर आए हैं और नीचे आपने देखा सारा वेमेंस था, अभी ऊपर भी आए हैं तो ये सारा वेमेंस है। ये देखो सब वेमेंस, वो लेडीज और H&M होम है उधर भी है, और ये पूरा ये सब लेडीज। मेंस यहाँ पे भी नहीं है, मेंस और ऊपर है। तो यहीं घूम लेना थोड़ा देर। वरना तेरे को डर नहीं लगता? यहाँ क्या घूमू मैं, देख ले थोड़ा सा। यहाँ मेरा क्या काम है? तो ये मेंस का सेक्शन, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे ये टी शर्ट का सेक्शन है, ये जीन्स का है, शर्ट्स नहीं ब्लेजर्स का पीछे है, और इधर है बस खत्म। और हमने कुछ 3-4 शर्ट टी शर्ट सेलेक्ट किए हैं, ट्राई करते हैं पहन के। कैसे फटी हुई है रे, इसको दूसरी निकाल। फटी कपड़े दिखा रही मेरे को। कुछ तरीका है भीख मांगने का? भाई कपड़े ज्यादा होते जा रहे हैं और मैं थकती जा रही हूँ। बिल्कुल भी मेंस कलेक्शन में एक पैसे का खड़े होने का मन नहीं करता। हाँ तो हमारा भी कहाँ करता है लड़कियों में खड़े होने का। कोई नहीं, ट्रायल रूम मिलते हैं। और यहाँ पे ट्रायल रूम में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लड़का लड़की साथ में अंदर जा सकते हैं, हमें नहीं होता ऐसे कर रहा। 10th क्लास के लड़के नहीं होते, लड़का लड़की साथ में। हां, यहाँ पे कोई जेंडर का वो नहीं होती, यहीं पे सबका यहीं पे फिटिंग रूम है। चलो ध्रुव फैशन शो स्टार्ट कर, बताइए ये और ने ठीक लग रहा है, पता नहीं ध्रुव को कुछ H&M से चिढ़ है। यार इनका ना बहुत सालों से एक ही कलेक्शन, चेंज नहीं होता है। जैसे ज़ारा गया फॉर एग्जांपल, का हर महीने कुछ अलग आता है। H&M का हम बचपन से खरीद रहे हैं H&M कपड़े, तो जब भी इंडिया में आया था 7-8 साल हो गए, तब से सेम टी शर्ट को थोड़ा तब भी था। मलाई रबड़ी के बाद अब हम हॉट चॉकलेट की बात करते हैं। बता कैसी लग रही है ये, क्या ये हर कपड़ा पहन के ये करता है? मैं बाहर चली जाती हूँ, उसको बाहर दीदी को बोल दूंगी ये अंदर तमाशे कर रहा है। तमाशबीन बनाऊं? बताओ कैसी लग रही है। अगर तू मेरी नजर से देखे तो मुझे सारा रंग तेरे पे जच रहा है। चले फिर डिस्को, ठीक लग रहा है।
अभी तक मुझे लग रहा था आपके एक्सप्रेशन देख के कि हम यहाँ से खाली हाथ जाने वाले हैं। नहीं कुछ तो लग ही जाएंगे। सही लग रहा है ये? बोल के हाँ ठीक है, रात को पहन के सो जाऊंगा। ओके ये बहुत क्यूट लग रहा है, और इसमें पैसा लगाना वर्थ भी है क्योंकि तू और मैं मिलके पहनेंगे। हाँ ये कर लो पहले। हाँ पहले मेरे कपड़े पहन लो आप, पर अच्छी बात है कि हम लोग चेंज करके पहन सकते हैं। मैं आपके भी पहन सकता हूँ। पहन लो ना आप, ये पहन लेना कल ये ड्रेस। तो हम लोग कर रहे हैं अपना सेल्फ चेकआउट, एक एक करके करो। हो गया। You want a Tasha? अच्छा मतलब बैड। ये नाराज हो रही है क्योंकि इसका सामान हमने आज कम लिया है। सच में दोनों मैंने एक भी चीज नहीं ली है। हाँ एक भी नहीं लिया, ये पता चलेगा जनता को, बताएगी जनता तेरे को। यार ये देख के कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। एक भैया वहाँ बैठ के ऐसे खा रहे। H&M से बाहर आते ही ये यहाँ पे पिज्जा प्लेस है ना शायद। हाँ। ये एक बार चेक करना। नहीं चेक करते इनका, आजा। तेरे को हमेशा लोगों को देख के भूख। अरे चेक तो कर ले। तो हम लोग निकल गए H&M से और हम एक नई पिज्जा प्लेस आज डिस्कवर करने वाले हैं। इतना बड़ा भूखा है भाई। बेबी आप बहुत बड़े भूखे हो। अच्छा बेबी आप बहुत बड़े भूखे हो। कुछ भी H&M से निकलते ही इसने देखा यार सामने बंदा पिज्जा खा रहा था, मन कर गया। हम यूजली एक ही जगह पे जाते हैं पिज्जा खाने, जो बहुत एक टिपिकल इटालियन प्लेस है, बहुत छोटी सी। हैमबर्ग में बहुत टेस्टी पिज्जा खाना हो वो हमारी वीडियो चेक करो। तो हम लोगों ने एक और जगह डिस्कवर की है जो कि बहुत टिपिकल नापोली जैसा पिज्जा मिलता है वहाँ पे। वहाँ पे जा रहे हैं अभी, तो जाके खा के बताएंगे वहाँ कि वहाँ जाने लायक है या नहीं। पहुँच गए। हाँ ठंड हो गई है। पहुँच गए ये वाला है सामने पिज्जेरिया द मिशन। चले फिर। आगे पिज्जा भाई ये कुछ ज्यादा ही बड़ा आ गया है, हमने इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये मार्गरेट है और वो आधा आधा है। आप आओगे? ले जा सकते होंगे, पैक करवा लेंगे बाद। भाई ज्यादा बड़ा पिज्जा आ गया गलती से। अरे आज से नहीं खाया जा रहा ऐसा हो रहा है। सारा सत्यानाश मार दिया। आ गया मजा। गिर रहा है। इटालियन पिज्जा की एक खास बात है, बहुत पतला होता है। बहुत सही पिज्जा है। किसका? हम दोनों का। मेरा ज्यादा अच्छा है बेटा। मेरा ज्यादा अच्छा है। मैं बताऊँ तेरे को क्या बोला, यहाँ दिखाओ। कहता ये सारा तू ले ले और सिर्फ ये इतना सा अपनी एक स्लाइस मेरे को दे दे। काम कर अपना सारा मुझे दे दे, मेरा सारा ले ले। मेरी ड्रिंक देख के भी कह रहा है। ड्रिंक तेरी बहुत अच्छी थी भैया। ठंड लग रही है, हमेशा ही करती है जब इसको ठंड लगती है। ये कपड़े निकाल के पहन लेते मेरे और एक है सबको पता। एक मिनट, जब बैग में कपड़े पड़े हैं तो बंदर क्यों ना पहने। तो बोलने वाली थी ना मेरा है। सबको पता है किसका है। ये यूनिसेक्स है, ये मैं ले सकती। कोई यूनी वूनी नहीं है ये, आगे का मैं नहीं बोल रहा। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो पहुंच गए हम लोग अपने घर, गली के नीचे। और सारा सामान मेरे से पकड़ाते हो। अरे तो पकड़ लो ना सामान, कभी कभी पकड़ना चाहिए। बस कुछ किया नहीं आपने दिन में आज, तो सामान ही पकड़ लो। शॉपिंग के अलावा तूने शॉपिंग के अलावा क्या किया? और एक भी चीज दिलाई आपने मुझे आज। आधा तेरा ही है सामान उसमें। तो आज का वीडियो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगता है जब हमारी फैमिली बढ़ती है। आप सब लोगों से बातें करने का मौका मिलता है कमेंट्स में। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में। और फ्लैश की वजह से हमें तब दिख नहीं रहा है अभी क्योंकि अंधेरा हो रहा है, तो सामने समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। हाँ नीचे कहीं भी पैर मत रख दियो भाई। पहुँच गए हम अपने घर, हमारी बिल्डिंग। चलो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। बाय बाय।